हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बहन भाई श्री राम राम। आज का जो विषय है, एक पौधे के अंदर चार पांच वैरायटी की पत्ती कुदरत के कमाल से आती हैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें और वीडियो पूरी देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारा पहला पौधा आता है एक लीपा का पौधा। ये बहुत ही खूबसूरत आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इसकी लाल पत्ती, गुलाबी पत्ती, हरी पत्ती और बहुत ही सुंदर पत्ती अपने आप ही हो जाती है। अब फ्रेंड इसकी बात करते हैं, इसे किस सीज़न में लगाएं, इसकी देखभाल क्या है। इसकी देखभाल बरसात के मौसम में इसकी आप ग्रो कर सकते हैं। फरवरी के मौसम में भी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और जब हमारी सर्दी आए तो इसे यानी कि थोड़ी हमें छाए में रख देना है। इस पर जो कोहरा पड़े, ठंड पड़े नहीं पड़नी चाहिए और हमारा बहुत ही सुंदर सर्दियों में यह पौधा लगता है। सर्दियों में पतझड़ हो जाता है। जैसे जैसे हमारी फरवरी का महीना आएगा ये बहुत ही सुंदर और अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड तुलसी माता की। तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, सर्दी आने से पहले थोड़ा हमारा मूड जाता है, तो उसमें क्या चीज़ डालें जो आपकी तुलसी माता नहीं सूखे, उसके अंदर क्या गुण होते हैं जो आप उसके अंदर सूखने से बचा सकते हैं, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें। सबसे पहले तुलसी माता को ठंड आने से पहले एक कार्तिक के महीने में चुनरी उड़ा दें, और जब चुनरी उड़ा दें तो उसमें चारों ओर से लकड़ी लगाने के बाद उसे ढक दें कपड़े से और उसे बिल्कुल छाए में रख दें, और आपकी तुलसी माता एकदम हरी भरी रहेगी। और थोड़ा उसमें जल दे में हफ्ते में दो बार। अगर आप सर्दियों में जल ज़्यादा देती हैं तो आपकी तुलसी माता सूख जाएगी। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा है कॉलेज का पौधा। जैसे मैंने एक लीपा का पौधा दिखाया था, एक पौधे के अंदर दो तीन तरह की पत्तियाँ आती हैं, ऐसे ही मेरा ये कॉलेज का पौधा है। देखो, एक ही पौधे के अंदर दो या चार तरह की पत्तियाँ आती हैं। अब इसकी कटिंग की ग्रो करेंगे तो ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये बहुत ख़राब पत्ती वाला वही कॉलेज है जो कि रंग बिरंगी कॉलेज मैंने बताया था। अब इस पर अपने आप ही रंग बिरंगे पत्ते आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं सर्दी से पहले। इसकी भी देखभाल वही है, इसे सर्दी में कोहरे से बचाएं और इसे बिल्कुल छाए में रख दें। यह आपका पौधा परमानेंट चलेगा और बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड टोकरी की, बास्केट की। हमने देखा होगा टोकरी बास्केट में बहुत से कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो टोकरी में बहुत ही सुंदर लगने वाला पौधा जो नीचे को झूमर सा लटकने वाला, यह प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसकी कटिंग की बात करेंगे तो ये आप थोड़ी सी भी कटिंग काट के लगा देंगे तब भी यह पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, और इसकी सुंदर पत्ती, लाल गुलाबी पत्ती आएंगी। फूल की बात करेंगे तो इसकी जब हम इसे कटिंग कर देंगे तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी रंग का फूल आता है, पर इसे हम कटिंग के लिए और जब इसे ग्राफ्टिंग करने के लिए लगाएंगे तो इसके फूल हमें महत्व नहीं देता। ये हमारी टोकरी सुंदर लगे, हम इसे बार बार कटिंग करते रहते हैं और उसी प्रकार से यह बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप भी इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं, जैसे हमारा क्रासुला होता है, लक्ष्मी कमल का पौधा होता है, उसी की वैरायटी का यह पौधा बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, अच्छा पौधा होता है। यह बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा, इसकी कटिंग से आप लगा सकते हैं, यह पौधा बहुत अच्छा होता है। अब फ्रेंड मेरा जो नेक्स्ट पौधा है मनी प्लांट का, ये बिल्कुल पीले रंग का मनी प्लांट अब आप देख रहे हैं, एक लोनीमा का पौधा, लाल में है, सफ़ेद में है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, छोटे छोटे मेरे बेबी प्लांट थे, अभी बड़े हो गए और बहुत ही सुंदर, जैसे ही बड़े होंगे ऐसे ही सुंदर पौधा ये लगने लगेंगे। तो आपको भी अगर एक लोनीमा का पौधा लाना है तो नर्सरी से आपको 40 या 50 रुपये का मिल जाएगा। मैंने आपको बेंगलोरी क्रोटन के बारे में बताया था, ये बेंगलोरी क्रोटन वही है। अब जितनी भी सर्दी आएगी इतना ही इसका पत्ता रेड रंग का यानी कलर देगा और बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम, हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो को शेयर जरूर करें।